नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं भी आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आए हुए सुखबीर ठाणा डेयरी फार्म, गांव लिताणी, जिला हिसार में, सुखबीर सर के पास में। तो आज हम जानेंगे कि जो गंगा भैंस है वो कहां से ली इन्होंने, कितने बच्चे दिए, क्या हिस्ट्री पूरी आज गंगा भैंस की लेंगे पहले हम, बाद में बाकी और वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुखबीर सर से। नमस्कार जी। राम राम, सत श्री अकाल भाई। सारे भाई है ना, जो भी भाई भाई नया लग गया भाई, चैनल ने लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और भाई भी सपोर्ट करियो भाई। तो स्वागत है भाई आपका ग्रुप पहुंचने पे। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, तो आपकी गंगा भैंस है, इसने आपका नाम बनाया। हाँ जी। तो आपने कहाँ से खरीदी, घर की तैयार खरीदी? 2011 में खरीदी थी मैंने। हाँ जी जी। अपने नजदीक गाँव है द्रोड़ी, द्रोड़ी खेड़ा। वैसे चली थी ये सनगढ़ गांव मेरे से 2 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन ये पहुंच गई थी द्रोड़ी। और दूसरे ब्याह थी, इसमें बच्चा देना था, तो अपना एक रिश्तेदार है दलबाग उचाना से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके एक भैंस है, तो उस टाइम पे अपने ये पसंद आ गई और हमने ये प्रेगनेंट ही खरीद लिया था। इसको कितने साल पहले ली थी? 2011 में ली थी। किस रेट में? 12 साल हो गए। तो दूसरे ब्याह बच्चा देने वाली थी, मैंने 18 साल के लगभग आइडिया एज होगी होगी इसकी। कितने रुपए मिली थी आपने उस टाइम? उस टाइम 1,22,000 रुपए मिली। और कहाँ कहाँ पर आपने इनाम में जो मिले शो लड़वाई इसमें? इनाम तो भाई थी ये डिस्ट्रिक्ट शो में लगाई थी, पहले पंजाब में लगी थी लुधियाना। अच्छा जी। और उसके बाद अपने इधर मुक्सर में लगी, वहां पे फर्स्ट आई। उसके बाद फिर ये चप्पड़चिड़ी में वही पशु बुलाए थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले थे। 1,00,000 रुपये चप्पड़चिड़ी से मिले थे और 51,000 रुपये अपने मोहाली से मिले थे। तो 1,51,000 रुपए, ये सोचो कि भाई आज से 9 साल पहले के, वो बहुत बड़ा सिस्टम बना के खड़े हो गए, क्योंकि उन्हीं से पशु खरीदना है या के 2 पैसे इनकम करनी थी, तो वो आगे रूटीन में चले गए। तो उस टाइम के पैसे अब काम आए आपके? नहीं, काम तो उस टाइम के धीरे धीरे चलते रहे। नहीं, कोई पशु खरीदना है, सेल करना है, या 2 पैसे जेब में होंगे तो भाई जी पशु भी ठीक मिलेगा। सही बात है। हाँ, तो उसके काप भी बहुत आए, काप भी बिकते रहे। कितने बच्चे दिए आपके पास? तो इसकी 2 कटड़ियां बेची भाई जी और बाकी कटड़े थे। कितने रुपए में सेल होते हैं सर गंगा भैंस के जुकाम होते हैं? भाई जी अब 2.5-3 साल हो गए बच्चा दे। हाँ जी, हाँ जी। एक इसका बच्चा महाराष्ट्र में है, एक हिमाचल में गया था, एक अपने समेंद्र मान भाई है उनके पास था, उनका मिलने वाला आर टाइम का बच्चा था, वो उधर गया था भाई। तो 2 कटड़ियां थी, एक आध कटड़ा पहले बिक लिया था, एक कटड़ा इसका, एक कटड़ा जिस टाइम पे मैंने इसकी मिल्किंग कराई उस टाइम पे भी, जब तो काप का रेट ही नॉर्मली थे उस टाइम पे बिक जाते। तो आपने कभी इसकी कीमत लगवाई सर सेल के लिए? सर इसकी कहने कीमत लगवाऊं यार, बेचनी नहीं है। मानो जो चलो मैंने सरस्वती बेची, जूनियर गंगा, गंगा और वैसे भी बहुत बेची, लेकिन ये एक न्यू है। मानो जे अगर ये अब 1.5 महीने की प्रेगनेंट है, हाँ जी, हाँ जी, अगर है तो अनमोल रतन से प्रेग्नेंट करवा रखे इसको, अगर है तो 1.5 महीने की चेक करवाएंगे कुछ दिनों में, चाहे ये बच्चा भी ना दे तो अपने घर पे ही रहेगी। तो दूध जो पीक पॉइंट है इसका कितना दे? वैसे इसकी 24 किलो दूध दिया भाई जी। अच्छा। हाँ, पूरे पीक पॉइंट पे 24 किलो तक दूध दिया। और जो है सबसे हाइट लेंथ में इंडिया की सबसे ज्यादा चौड़ाई वैसे ही होगी ना भाई जी, मेरा मामा तो चौड़ी लाग है तेरे भाई, और कोई भी हो देखो इसका मैं पूरा वो नहीं कर सकते। तो ऐसे चौड़ाई जिस टाइम पे ये जवानीपन में लगा लो अपने इसमें मेरिट में शो था, तो उस टाइम पे डॉक्टरों ने बताया था कि भाई सबसे चौड़ी भैंस उस टाइम की, या बुलों के बराबर भी, बुलों में भी ज्यादा चौड़ाई दिखा रही थी। अब तो एक ढलती उम्र लगा लो, उस टाइम पे उम्र का थोड़ा फर्क तो पड़े इन चीजों का। अभी जो काफी अच्छी जो मैनेजमेंट कर रखी है भाई साहब ने, मैनेजमेंट इसकी रहेगी भाई जी, लेकिन अब भी दाना नहीं डाल रहे इसको, बॉडी वाइज प्रेग्नेंट हो जे या दूध देने पे जब तो दाना डाला जावा है, अब नॉर्मली चल रही है। क्या फीड डालते हो सर इनको आप? ये पे तो कुछ नहीं डालते भाई जी इसको, तो दूध टाइम पे, दूध टाइम पे तो जो आप ढोना तो फीड दे के आवा या बरवाला तो लेके आओ वही डाला। अच्छा, फीड आप घर का मिक्स करवा के लेते? हां, मिक्स करवा लिया। क्या क्या होता है सर उसमें? उसमें मक्की है, बिनोड़ा, चना, ये सभी का सेम जावा है, चाहे मिक्स पूछो अपने या अपना, वो सेम जावा है सबका। क्यों सब शुरुआत मैंने ही की थी, लगभग कोई 5-4 भाई 2 भाई जुड़े होंगे उस टाइम पे, हमने ही शुरुआत की थी टुहाना से फीड जाने की, तो फिर धीरे धीरे सब भाइयों के पास पहुंच गया। लेकिन कई ओले में रख ले हैं, बताते नहीं आप, हम बताना आया है। अब तो सबका पता चल गया वहां से फीड आती है, सुखबीर भाई की हम भी डाल दें। नहीं, वो फीड क्या है उसमें जो मिलाना चाहिए वो चीजें भी आप क्लियर कर दें भाई, ये चीज डाला। अब आने टाइम में कोई नया होगा सिस्टम वो बता दें, कोई बड़ी बात
अब घर का जैसे आम घरों में हम गेहूं का दलिया वगैरह डालते हैं, वो आपने डाले कभी? नहीं, अब मक्की है, चना, सोयाबीन डीओसी, चावल पॉलिश, चने का छिलका, चोकर, मीठा सोडा, नमक, सब चीजें डाला है भाई जी। कोई आम पशुपालक ऐसा फीड तैयार न करवा सके तो घर पे क्या क्या राशन मिला करके अपना? वही चीज आएगी, एक क्विंटल मामा 30 किलो मक्की डाला, हाँ जी, 20 किलो बिनोड़ा, 10 किलो चना, 8 किलो सोयाबीन डीओसी, 10 किलो चोकर, 10 किलो चने का छिलका, 10 किलो चावल पॉलिश, और मौसम के अनुसार जब गर्मी है जब जो डालते हैं 5-7-10 किलो, या ज्यादा है सर्दियां उस टाइम पे बाजरा डालते हैं, और उसमें कुछ गुड़ भी या सीरा डलवा लिया है, किलो मीठा सोडा डालते हैं, नमक 2 किलो तक भी डालते हैं, कोई दिक्कत है। मिनरल मिक्सर रेगुलर देना चाहिए? मिक्सर भाई जी देना तो जरूरी भी चाहिए, लेकिन आप नहीं देते, बस ये है कि भाई दूध देते नहीं, आप और पूर्ति करते हैं भाई, कैल्शियम होई, प्रोटोन होई, लिपिड 52 होई, या कोई भी है, एमआर बहुत आम भाई है, भाई रिजल्ट आम है, बहुत से भाई हैं कि जितनिया एनर्जी में है, गुलका बूस्ट दे दिया और बहुत सी चीजें हैं। अब सारी चीजें तो देखे काम जमींदार जिस तरह जो दूध सेल कर रहा है, एक पीक पॉइंट खाता तो देखो सारी चीजें। आज तक आपने कितने पैसा का दूध तलवाया होगा भाई जी? नुगड़ी थी को नहीं अपने घर घर की ना, अपने ध्यान में नहीं, क्यों उसमें को नहीं ध्यान में रहेंगे, वो टाइम जिंदगी का कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। अभी कोई है रिकॉर्ड करवाने वाली भैंस? नहीं अभी नहीं है भाई जी, और वो रेशमा ने करवाया अपनी है, या और जो इंडियन की सही करवाई वो अपनी है, माना पे कोई घना फर्क को नहीं, लगभग काफी अच्छी भैंसों का दूध आपके हाथों रिकॉर्ड नहीं आई है भाई जी, बहुत सी भैंसे आई है, दूध भी तुले हैं, हाथ किसी का काम नहीं करता भाई जी, पशु की सेटिंग पे बात हो है, और पशु ने दूध तोलना है, बंदा मेहनत कर सका है, और बंदा पशु को समझ सके है कि भाई तेरे पशु में यह कमी है, आप ये जुगाड़ी नहीं कर रहे, आप इसको बुखार महसूस हो सकते, वो समझ सके उन बातों को, भाई ये क्या चीज खाएगा, किस चीज को मानेगा, और किसी का आदमी है ना, मैं हूं ना कोई, भाई दूध तोलना भाई पशु के हाथ। तो ये था भी गंगा भैंस की जो डिटेल हमने ली है इनसे, और बाकी पशुओं की डिटेल हम लेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, 2 या 3 पार्ट हम यहाँ से कवर करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। जो भी अपने पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।